नमस्कार परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में बिहार में चुनावी माहौल में शतरंज के चाल चले जा रहे हैं। उसी चाल में स्वर्गीय रामविलास पासवान के चुनावी करियर में जातिवाद का महत्व एवं उठापटक के दौर के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने बताया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने 52 शक्तिपीठों में विदेशों में मौजूद शक्तिपीठ के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। रामविलास पासवान एक बड़े दलित नेता का जाना। पिछले 3 दशक की बिहार की राजनीति को देखें तो 3 बड़े राजनीतिक घड़े रहे हैं, राजद, जदयू और भाजपा। बिहार की राजनीति में जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उसमें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा नहीं है, लेकिन ये तीनों पार्टियां भी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले दम पे सरकार बना ले। बिहार में दलित बड़ी संख्या में 15 से 16% आबादी में हैं, 38 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं और 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। कमोबेश अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी दलितों की आबादी है। जब तक जीतन राम मांझी की उदय नहीं हुआ था, बिहार में एकमात्र दलित नेता के रूप में रामविलास पासवान जाने जाते थे। जिन तीनों बड़ी पार्टियां का मैंने जिक्र किया है उसमें कोई बड़ा दलित नेता नहीं था, इसलिए ये तीनों बड़ी पार्टियां दलित वोट को अपने पाले में खींचने के लिए लोजपा से गठजोड़ करना चाहती थी। यही रामविलास पासवान का बिहार की राजनीति में महत्व रहा है। इसलिए बेशक रामविलास पासवान कभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन जो पार्टियां सरकार बनाना चाहती थी उन्होंने हमेशा उन्हें महत्व दिया। उनकी महत्ता बताने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद की हार इसलिए हुई कि पासवान लालू यादव के साथ नहीं थे, बल्कि वह दलितों की एक बड़ी आबादी को अपने साथ लेते हुए लालू प्रसाद के विरोधी हो गए। नतीजन लालू यादव की राजद सरकार चली गई। सवाल उठता है, जब रामविलास पासवान का बिहार की राजनीति में इतना महत्व था तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक क्यों नहीं पहुंचे? 1990 के दशक के बाद की बिहार की राजनीति में लोजपा और कांग्रेस ऐसी पार्टियां हैं जिसकी वोट शेयर 7 से 10% के आसपास रहा, जबकि तीनों बड़ी पार्टियों का तकरीबन 20-22% वोट शेयर रहा। इस तरह ये तीनों बड़ी पार्टियां 2/3 मतों पर नियंत्रण रखती थी। कांग्रेस और लोजपा के पास तकरीबन 14 से 15% वोट होता था, बाकी वोट बिखरे रहते थे। जाहिर है बिहार की राजनीति में लोजपा का वर्चस्व कभी नहीं बना, बल्कि उसे एक सहयोगी दल के रूप में ही देखा गया। ऐसे में अगर कोई पार्टी जो अकेले दम पर विधानसभा की सभी सीटों पर ना लड़ पाए और ज्यादा सीटें हासिल ना कर पाए तो उसका नेता मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? किसी भी नेता के शीर्ष पद पर पहुंचने के लिए कद बड़ा होना चाहिए और उसके पास एक व्यापक जनाधार वाली बड़ी पार्टी होनी चाहिए। वर्ष 2005 के फरवरी का चुनाव देखें तो उनको 29 सीटें मिली थी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही अक्टूबर 2005 के चुनाव में उनकी पार्टी ध्वस्त हो गई और उसे मात्र 10 सीटें ही मिली। रामविलास पासवान को लोग एक बड़े और अनुभवी नेता के रूप में जानते तो थे, लेकिन पूरे राज्य में और उनकी अपनी जाति और कुछ अन्य दलित जातियों को छोड़कर बाकी जाति समूहों में उनकी स्वीकारता नहीं थी। इन्हें अपनी जाति दुसाधों का 75 से 70% वोट मिलता रहा, लेकिन अन्य दलित जातियों का तकरीबन 40 से 65% वोट ही मिलता था। दलितों के बीच भी वोटों में अंतर दिखाई पड़ता था। इसके अलावा टिकट बंटवारे के समय में भी रामविलास पासवान का फोकस ज्यादातर दलितों पर ही रहता था। आमतौर पर लोग उन्हें एक अच्छे सांसद और जन सरोकार वाले बड़े नेता के रूप में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भले इनकी पार्टी बड़ी नहीं है, पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि बनी रही। 8 बार वह चुनकर संसद पहुंचे और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। 2 बार बहुत बड़े अंतर से जीतने का मतलब है उन्हें अपने क्षेत्र की जनता का समर्थन और भरोसा हासिल था, और यह निश्चित रूप से
उन्होंने जनता से सीधे संवाद और जन सरोकार के जरिए हासिल किया था। उनके बारे में कभी नकारात्मक कहानियां भी सुनने को नहीं मिली। आज जब बिहार में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है, तब लोग रामविलास पासवान को निश्चित रूप से याद करेंगे। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। नवरात्रि विदेशों में भी स्थित है माँ के पावन शक्तिपीठ, जानिए सभी के बारे में। शारदीय नवरात्रि में माँ के नौ रूपों की पूजा का विधान है। माँ के शक्तिपीठ धामों का बहुत अधिक महत्व होता है। माँ के शक्तिपीठ धामों में दर्शन करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ के 52 शक्तिपीठ है। सिर्फ भारत में नहीं, माँ के कुछ शक्तिपीठ धाम विदेशों में भी स्थित है। इन धामों का बहुत अधिक महत्व है। माँ के पावन शक्तिपीठ धामों में भक्तों का तांता लगा रहता है। आपको बता दें, भगवान शिव जब माता सती के वियोग में माता सती के शव को लेकर तांडव करने लगे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के टुकड़े कर दिए। माता सती के अंग और आभूषण जहां जहां गिरे वह शक्तिपीठ बन गए। आज इस स्पीच के माध्यम से हम आपको विदेशों में स्थित माँ के शक्तिपीठ धामों के बारे में बताएंगे। हिंगुला शक्तिपीठ पाकिस्तान। हिंगुला शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित इस शक्तिपीठ को हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में स्थित इस शक्तिपीठ को नानी का मंदिर और नानी का हज भी कहा जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था। बांग्लादेश में स्थित शक्तिपीठ उग्रतारा शक्तिपीठ बांग्लादेश में स्थित है। माँ का यह पावन शक्तिपीठ सुनंदा नदी के तट पर स्थित है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस स्थान पर माता सती की नाक गिरी थी। बांग्लादेश में माँ के तीन और भी शक्तिपीठ है। अपर्णा शक्तिपीठ, धार्मिक पुराणों के अनुसार इस स्थान पर माँ सती के बाएं पैर की पायल गिरी थी। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर गाल में स्थित है। चटगांव में स्थित है माँ का शक्तिपीठ। बांग्लादेश में माँ का एक और शक्तिपीठ है जो चटगांव में स्थित है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस स्थान पर माता सती की दाई भुजा गिरी थी। यशोरा में भी स्थित है शक्तिपीठ। बांग्लादेश के यशोरा नामक शहर में भी माँ का पावन शक्तिपीठ है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस स्थान पर माँ सती की बाई हथेली गिरी थी। नेपाल में स्थित शक्तिपीठ। नेपाल में माता के कई शक्तिपीठ है। नेपाल में गंडक नदी पर अध्या शक्ति का पीठ है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस स्थान पर माता सती का दाया गाल गिरा था। इस शक्तिपीठ में देवी की पूजा गंडकी के रूप में होती है। नेपाल में माता का शक्तिपीठ पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माता सती की दोनों घुटने गिरे थे। नेपाल में माँ के और कई शक्तिपीठ है। जनकपुर में वन दुर्गा, जयमंगला मंदिर, उग्रतारा मंदिर श्रीलंका में भी है माँ का पावन शक्तिपीठ। श्रीलंका में भी माँ का पावन शक्तिपीठ स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीलंका में जिस स्थान पर माँ का शक्तिपीठ है, वहां पर माता रानी माता सती की पायल गिरी थी। इस शक्तिपीठ में माँ की पूजा इंद्राणी रूप में की जाती है। तिब्बत में माँ का पावन शक्तिपीठ। तिब्बत में माँ का पावन शक्तिपीठ स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर नदी के तट पर माँ का पावन शक्तिपीठ स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर देवी सती की दाई हथेली गिरी थी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।